नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सुदर्शन जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय राधा माधव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की श्री गौर नित्य भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गोपेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज देवसेन एकादशी आषाढ़ एकादशी के मॉर्निंग क्लास में आज शिला प्रभुपाद लीलामृत से हम लोग पढ़ेंगे। एकादशी के दिन प्रभुपाद जी का गुणगान, प्रभुपाद जी की लीला, प्रभुपाद जी का जीवन, उनसे हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी के योगदान से, उनके तपस्या से, उनके त्याग से, उनके प्रेम से, उनके भक्ति से ये संस्था और हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, हमें ये सब कुछ मिलता है। अगर ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, उसके जो सूत्रधार हैं कौन है? शिला प्रभुपाद। जैसे गीता में एक श्लोक है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव। सातवें अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जैसे माला है ना, माला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मोती का माला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन माले के अंदर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन उसको जोड़ के रखा है, कौन उसको जोड़ के रखा है, लेकिन धागा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बिना धागा के क्या वो जोड़ के रख सकता है? हाँ, नहीं रख सकता है। तो उसी तरह इस संसार को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संसार को जोड़ के कौन रखा है? मैं रखा हूँ, कृष्ण भगवान। उसी तरह इस संस्था को, इस कौन को, और इस कौन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको जोड़ के कौन रखा है? हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने। उनके ही शिक्षण से जितनी भी मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, गुरु पूजा, संध्या आरती, भोग आरती, दर्शन, फेस्टिवल, उत्सव, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो शिला प्रभुपाद जी के निर्देशन में नहीं हो रहा हो। और जो भी प्रभुपाद जी के निर्देशन में, जो भी उनके निर्देशों को फॉलो करेगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी, उनको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। इसका साक्षात उदाहरण, कई उदाहरण है इसके। जो भी प्रभुपाद जी के बताए हुए उस पर चलता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, प्रभुपाद जी के बताए हुए नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे पंखा चल रहा है, ये पंखा कैसे चल रहा है? पंखा चलने का कारण कौन है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कारण ये चल रहा है। वरना पंखा है, इसे मैं बिजली निकाल दूँ तो ये पंखा चलेगा? पंखा रहेगा, पंखा है, तीन ब्लेड का पंखा दिखेगा, लेकिन अपना कार्य नहीं कर पाएगा। उसी तरह गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो किसका काम करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। जो भी गुरु के निर्देशों को, गुरु के निर्देशन में क्या है, वो कृपा छुपा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी छुपा हुआ है। जो भी उसको पकड़ेगा, जो भी उसको पालन करेगा, उसको फिर क्या होगा? कार्य करना, समझ रहे हैं ना? जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान पूर्वक जप करो। सबसे पहला निर्देश हमेशा ये कहें, ध्यान पूर्वक
अब देखिए कोई भी, चाहे इंडिया में होने दीजिए, अमेरिका में होने चाहिए, चाइना में होने दीजिए, कहीं भी होने दीजिए, ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो उसका कहीं भी होने दीजिए, समझ रहे? सपोज करिए वो कहीं से भी, कहीं किसी पुस्तक से पढ़ा, कहीं पे लिखा हुआ लिखा था, ध्यानपूर्वक क्या करो, हरे कृष्ण का, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पहला निर्देश। अब वो कहीं भी बैठ के करे, क्या होने लगेगा? हाँ, क्या होगा? महामंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देगा। अब वो चाइना में बैठा था, चिपकली खाता था, अब वो जप करने लगा, क्या बन गया? हाँ, रशिया में बैठा था, कुछ और करता था, गोवा में बैठा था, आपको मालूम है गोवा करने क्या लोग जाते हैं, लेकिन गोवा में भी अपने इस्कॉन के सेंटर, ऐसे नहीं है, कम से कम चार गोवा में मैं गया हूँ, गोवा में मैंने प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, वहाँ पर रथ यात्रा भी होता है, सब होता है। तो वैसे माया का गढ़ भी है गोवा, हाँ, माया का कैपिटल बोलते हैं ना, बम्बई को माया का कैपिटल बोलते हैं, गोवा को माया का कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन किया, माया के गढ़ में, माया के गढ़ में क्या हो गया? भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। किनकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। तो जो भी प्रभुपाद जी के निर्देशों, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वो क्या लेके गए? हाँ, अमेरिका गए तो क्या लेके गए? श्रीमद् भागवतम लेके गए। और क्या लेके गए? बोलिए, हाँ, क्या लेके गए? 40 रुपये पढ़ा है ना, क्या लेके गए थे? अब आपको मैं 40 रुपये दूँ, बोलो जाओ अमेरिका, मतलब उस समय 40 रुपये, आज का चलो 40,000 होगा, हाँ, तो भी आदमी घबरा जाएगा। और क्या लेके गए? माता जी ने एकदम बराबर बोला, मैं वही उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा था, कौन बोलेगा? अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद और गुरु महाराज का निर्देश वो लेकर गए। तो हमारे सीखने के लिए क्या है यहाँ पे? हमारे लिए सीखने के लिए क्या है इसमें? जो गुरु के आदेशों का, निर्देशों का अपने हृदय में धारण करता है और उसका फिर पालन करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा में श्रीरंगम में थे तो वहाँ पे एक भक्त जो पढ़ा लिखा उतना नहीं था, वो गीता पढ़ रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन गीता पढ़ रहा था, कवर पेज देख के रो रहा था, जो गीता का कवर पेज है ना वो देख के रो रहा था, और कई लोग जो बाकी दूसरे भक्त लोग, ब्राह्मण लोग आ रहे जा रहे थे ना, उसको देख के हंस रहे थे कि है अनपढ़ और क्या लेके बैठा है? भगवद गीता लेके बैठा है पढ़ने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए उसको ध्यान से देखे, पहले तो देखे कि भाई जो भी गीता लेके बैठा है वो तो वंदनीय है, तो देखे कि वो गीता लेके बैठा है और रो रहा है, फ्रंट कवर देख के रो रहा है। महाप्रभु बोले इसको कुछ तो अनुभव हो रहा है। वो गए और उस ब्राह्मण से पूछे, भाई क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो? तो महाप्रभु को देख के वो हाथ खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा और बोला, महाप्रभु ऐसे तो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो भी मेरे गुरु ने कहा है कि तुम क्या करो, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम क्या करो, डेली गीता पढ़ना, तो मैं गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में तो उतना नहीं आ रहा, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। तो बोले, अच्छा ये तो मुझे समझ में आया। महाप्रभु बोले, लेकिन बोले तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मैं ये रो रहा हूँ कि जो भगवान, मेरे गुरु कहा कहते हैं, जो भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, जिसके कारण हम सब हैं, जिसके कारण जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश है, सर्व कारण कारणम है, वो सर्व कारण कारणम अपने भक्त का, ये फ्रंट कवर में मैं देख रहा हूँ क्या, वो अपने भक्त का क्या बने, वो अपने भक्त का सारथी बन के, मतलब भक्त का नौकर बन के क्या कर रहे हैं, रथ हाथ में चाबुक है ना, रथ चला रहे हैं और पीछे कौन है? तो निर्देश भगवान, निर्देश किससे ले रहे हैं? रथ चलाने का निर्देश किससे ले रहे हैं? अर्जुन से ले रहे हैं। तो ये भगवान का भाव देख के, उनका भक्त के प्रति प्रेम देख के, कि वो कैसे इतने अपने भक्त के प्रति क्या बोलेंगे, भक्त वत्सल है,
कि वो उनके उनके सारथी भी बनने को तैयार हैं। तो मैं मेरे इस परम भगवान का जिन जो मेरे लिए पूजनीय है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, उनका भाव देख के मुझे क्या आ रहा है, रोना आ रहा है। महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने क्या किया, उस भक्त का आलिंगन कर लिया और बोले तुमको भागवतम गीता सारे ग्रंथों का क्या सार मालूम है, तुम एक महान भक्त हो, समझ रहे हो। और ये देख के फिर बाकी सब समझ जो दूसरे जा रहे थे, देखे कि महाप्रभु ऐसे सबको गले तो लगते नहीं थे, लेकिन इसको लग रहे थे, अब समझ गए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो भले पढ़ने का प्रयास कर रहा है, पढ़ता नहीं आता नहीं है, पढ़ने का प्रयास कर रहा है, ये एक महान भक्त है, महान वैष्णव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कई उदाहरण हैं ऐसे गुरु और शिष्यों के, कई उदाहरण हैं जिन्होंने, तो ये प्रभुपाद जी का, इसीलिए जब भी हम मंदिर आए, हम मंदिर आते हैं पहले हम किनको प्रणाम करते हैं, पहले हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यही वो धागा है, यही ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मिलितम ये न तस्मय श्री गुरवे नमः। वही तो है जो हम गीता का, जब हम भगवद गीता का तात्पर्य पढ़ते हैं तब जाके हमें समझ में, बार बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब हमें कुछ समझ में आने लगता है कि अरे हम कैसे इंद्रियों के चक्र में बहुत फंसे हुए हैं, और इंद्रियों के इससे हमको क्या करना है, महामंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इससे हमको बाहर निकलना है। हम अपने असली पहचान जो है कि हम भगवान के अंश हैं, हम शुद्ध एक आत्मा हैं, ये आस्ते आस्ते हमको अनुभव होना होने लगता है, फिर हम अपने कार्यों को, अपने आदतों को सुधारने लग जाते हैं, समझ रहे हैं। कभी भी भक्त को ना अपना पास्ट और प्रेजेंट ये कर क्या करना चाहिए, कंपेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डेली नियम से आते आते हमको लगता है कि वही, अरे वही दर्शन है, वही गुरु पूजा है, वही आरती है, हम भूल जाते हैं कि हर दिन भक्ति करने से, हर दिन मंगल आरती करने से, हर दिन नियमों का पालन करने से हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हमारी चेतना शुद्ध हो रही है। तो इसलिए हम, हमें इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम पास्ट में, मतलब किस तरह के आदतों से हम बहुत उलझे हुए थे, बहुत जकड़े हुए थे, लोग कितने प्रयास करते हैं लेकिन बुरी आदतों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। देखते हैं ना, कई न्यूज़ में आता है ना, शराब पी के किसी ने किसका वध कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने, पूरा न्यूज़ इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है और उसके बाद न्यूज़ सुनता है, वो समझ जाएगा कि समाज में जड़ कारण क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जो गीता नहीं पढ़ता है उसको समझ में नहीं आएगा, उसको खाली लगेगा हाँ फलाना ने ऐसा किया, अरे उसने बहुत गलत कर दिया, अरे सुनने में आया उसने क्या कर दिया, खाली हमें यह सुनने में आएगा। लेकिन जो गीता पढ़ता है वो समझ जाएगा कि क्योंकि हम भी उनमें सही थे, हम भी उनमें ही सही थे, और गीता पढ़ के और ये सब करके हम, हमारी आदतें क्या हो गई, ये कार्य किया, प्रोसेस ने हमें प्योरीफाई किया, प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए इस कार्य से हम क्या हुए, प्योरीफाई हुए, ठीक है। तो मैं 15-20 मिनट हम लोग रीड करेंगे, मैं मेरा चश्मा नहीं लाया हूँ तो थोड़ा मुझे अध्ययन करने में मुश्किल होगा, कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। ये है प्रकरण 10, शिला प्रभुपाद लीलामृत, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। देखिए प्रभुपाद जी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, इस संसार में जो भी आया है उसका जीवन संघर्षपूर्ण होने वाला है। पांडवों का जीवन बहुत आराम से था क्या, हाँ पांडवों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, भक्तों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, संघर्ष तो इस जीवन में है ही है, लेकिन दो तरीके का संघर्ष है, एक है, एक संघर्ष कर रहे हैं हम अपने बल पे, और एक संघर्ष कर रहे हैं हम भगवान से बल, गुरु से बल लेके, दोनों में बहुत फर्क है। एक संघर्ष अपने बल पे, मैं अपने बल पे संसार को क्या करूँगा, जीत लूँगा, संसार के प्रॉब्लम्स को मैं जीत लूँगा, लेकिन हमारा बल क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा, हम हमारे बल से बार बार हम फेल होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी का ये संघर्ष का वो चैप्टर चल रहा है उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने चूंकि प्रभुपाद जी के प्रति पूरा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित थे, हर एक संघर्ष को पार, शुद्ध भक्त हैं,
मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ एक नदी जैसी उमड़ती रहती, रिक्शाओं से सड़क भरी रहती, एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते, कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते, भारी ठेलों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते, कभी कभी भारी बोझों से लदे गधों, बैलों, ऊँटों और हाथियों को हाथ में कोड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। ऐसी भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्ति वेदांत स्वामी लाल किला से आगे चिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते हैं। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जामा मस्जिद के आगे एक गली में से निकलते। चिप्पीवाड़ा के निकट सड़कें और संकरी हो जाती। ये चिप्पीवाड़ा प्रभुपाद जी वहाँ पे 2 साल से अधिक थे। चिप्पीवाड़ा मंदिर है, लाल किला जामा मस्जिद के पास में चिप्पीवाड़ा करके जगह है, वहाँ पे एक मंदिर में प्रभुपाद जी ने अपना समय बिताया। आप लोग कभी दिल्ली जाएं तो ये मंदिर अवश्य, वो अभी इस्कॉन के इसमें आ गया है, इस्कॉन चिप्पीवाड़ा करके है। प्रभुपाद जी वहीं पे बुक छपवाते थे, कागज लेके आते थे, प्रिंटर के पास सब अकेले करते थे, सारा कार्य अकेले, वन मैन शो। अभी तो है कि BBT इतना बड़ा है, प्रिंट होके आता है, बस सब हम लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उस समय हर एक छोटा कार्य भी कौन करते थे? शिला प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से करते थे। ईस्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले चिप्पीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी, बाद में वहाँ हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। चिप्पीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिलीजुली बस्ती बन गई, इतनी घनी बस्ती कि उसकी सड़कों पर मोटर गाड़ियों का जाना मना था, केवल बैलगाड़ियाँ और रिक्शे ही उसकी संकरी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे, और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शों को भी जाने से रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय विक्रय करने वालों और चलने वाले कामगारों का ऐसा घना जमघट होता कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थीं कि उनकी ऊपरी मंजिलों के छज्जों में कुछ ईंचों का फासला रह गया था, जैसे उनसे सड़क के ऊपर छत सी बन गई थी। उसके नीचे सड़क पर चलने वालों को आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे, कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी लिपि में थे और काले कपड़ों में पर्दे वाली स्त्रियां आम दिखाई देती थीं। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्णा पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का संकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहराबदार साधारण दरवाजे के ठीक ऊपर घोंसला बनाने वाले कबूतरों की पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण पड़ोस की कठोरियों कुछ मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के शिव विग्रह भली भांति आलोकित थे। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था, कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन के लेप की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का चिन्ह था। दोनों श्री विग्रह रेशम के परिधान पहने थे। श्री विग्रहों के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी, भक्ति वेदांत स्वामी का कमरा। सीमेंट की दीवारें और फर्श नंगे थे। फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ 1-3 फुट का कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि श्री विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित हैं। ये पिरामिड अभी भी है, मैं अभी कुछ समय पहले गया था ये मंदिर, तो वहाँ देखा था, ये अभी भी वैसा एकदम वैसा ही है। भक्ति वेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी और जिसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी सटी थीं कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर से होता हुआ विशाल जामा मस्जिद तक पहुँच सकता था।
कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहने थे जो पंडित नेहरू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वे गांधी टोपी भी पहनते थे। वे अच्छे अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी थे। पास पड़ोसी में उनके अच्छी ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपरायणता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे सौदे सामान्य, कृपालु और निष्णात वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन का महत्व और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे, और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी उसे वे पूरी करेंगे। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था, कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक चटाई और एक छोटा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वे एक गद्दी भी ले आए थे। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब एक तार से लटके थे और हाथ में उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण का एक चित्र लाए जिसे जयपुर के महाराज ने उनके गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार के एक आले में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ यह सोचते हुए कि भक्ति वेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उन्हें पुस्तकें लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए, और भगवान कृष्ण ने उसकी व्यवस्था कर दी थी। अब वे लिखने का कार्य चाहे वृंदावन में करें चाहे दिल्ली में। उन्होंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर आरंभ कर दिया और वे उसमें पहले की पांडुलिपियों के उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना आरंभ किया। तो यानी श्रीमद् भागवत लिखना कहाँ आरंभ किया प्रभुपाद जी ने? वो चिप्पीवाड़ा मंदिर में, समझ रहे हैं? जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उनके अतिथि भक्ति वेदांत बैक टू गॉडहेड को निकालने में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को वे आगे आए। भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरि भक्त अनुदास जोड़ दिया। तो ये प्रभुपाद जी ने वो कृष्ण पंडित को हरि भक्त अनुदास, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए क्या हुए, आगे आए, अकेले संघर्ष कर रहे थे। तो ये प्रचार का जो रास्ता है ये संघर्षपूर्ण रास्ता है। भक्त बनाना, एक एक चीज करना संघर्ष से भरा हुआ। किसी भी भक्त से आप पूछिए कितना संघर्ष है, तो कितने संघर्ष से ये मंदिर बना है, कितने संघर्ष से बुक्स छपते हैं। तो हमें हर एक छोटी चीज़ का कीमत समझना चाहिए। तो यहाँ भक्त देख रहे हैं, एक भक्त प्रभुपाद जी के संघर्ष को देख रहे हैं और क्या हो रहे हैं, उनके उनकी सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम लोग को ये चीज़ सीखने वाली बात है। हम लोग देख रहे हैं कोई संघर्ष कर रहा है और हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपना योगदान नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति अपना एक योगदान कर सकता है, समझ रहे हैं? कोई हाथों से, कोई बुद्धि से, कोई वाणी से, किसी न किसी तरीके से हम कर सकते हैं। और हम जब यही अपनी शक्ति को भगवान कृष्ण के या शुद्ध भक्त की सेवा में लगा देते हैं, तब क्या हो जाता है, हमारा एक संबंध जुड़ जाता है भगवान से और गुरु से, समझ रहे हैं? हम मंदिर आते ही किस लिए हैं? संबंध भगवान से, जो हमारा संबंध है आचार्यों से, जो हमारा संबंध है उसको पुनः स्थापित करने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कोई संघर्ष कर रहा है हमें अपना योगदान करना चाहिए, हमें सेवा से भागना नहीं चाहिए। हमें कि हाँ अभी बताइए क्या सेवा है, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, कई उत्सव आ रहे हैं, हमें खुद से आगे आना चाहिए कि हाँ बताइए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके में कोई गुण ना हो कि वो कुछ सेवा ना कर सके। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में हम कुछ ना कुछ सेवा अवश्य कर सकते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरिभक्त अनुदास जोड़ दिया, जिसका अर्थ था वह जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। चिप्पीवाड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोटबुक में यह प्रशंसा दर्ज की,
मुझे यहाँ लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान केशी घाट वृंदावन से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया। कई लोग दिल्ली अमेरिका जाते हैं क्या करने, करियर बनाने, बिजनेस करने। प्रभुपाद जी अपना उद्देश्य लिख रहे हैं, वो किस लिए गए थे? भक्ति का प्रचार करने के लिए। दिल्ली भी उसके लिए गए और अमेरिका भी उसी के लिए गए। केवल भक्ति की प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया और मुझे यह लिखते और भी प्रसन्नता है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरिभक्त अनुदास ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गॉडेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ और नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में मैं जब भी दिल्ली आता था वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और नवल प्रेम सभा के सचिव के रूप में वे सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा में तत्पर हैं। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्तिवेदांत स्वामी लिखते गए कि उनके राय में मंदिरों का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र पार्श्विक वृत्तियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उसके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। समझ रहे? तो मंदिर में कार्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं सैलरी के लिए नहीं करना चाहिए। मंदिर में कार्य किसके लिए करना चाहिए? सेवा के लिए करना चाहिए कि मैं भगवान की क्या, मैं यहाँ पे क्या करूँ? भगवान की सेवा करूँ, आचार्यों की सेवा करूँ मैं। सेवा वो भाव से फिर वो मंदिर जो है का जो उद्देश्य है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना मंदिर का उद्देश्य, मंदिरों का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, स्पिरिचुअल जो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है समाज का, आज के डेट में समाज के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज को आध्यात्मिक, इसका कि कैसे हम अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चेतना को, अपने विचारों को कृष्ण भगवान की सेवा में लगाएं। इस अभाव के कारण इंसान का मन, इंद्रिय और कई जगह में बहुत जगह भ्रमित है। तो इसके लिए तो मंदिर का उद्देश्य है ये शिक्षा प्राप्त करना, गीता का संदेश प्राप्त करना जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप लोगों को गीता, भागवतम, यूथ प्रोग्राम, ये सब चीज़ आप लोगों को मिलता है। आप आते हैं, दर्शन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। आप लोगों को भागवतम होता है यहाँ पे, गीता होता है। तो इसके आस्ते आस्ते सुनते सुनते रहने से, अपने जीवन में एक एक शिक्षा उतारने से हम देखते हैं हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है, हमारे विचारों का प्रगति होना चालू हो जाता है, हम शुद्ध होना चालू हो जाते हैं। छिप्पीवाड़ों में भगवत श्रीमद् भागवत की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से, जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलहों से कभी कभी होता था, यह भाव हो गया था कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो क्या मंदिर के वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, बहुत आवाज़ें आती थी, तो प्रभुपाद जी समझ गए कि ये मंदिर का जो उपयोग है खाली, समझ रहे हैं, कई लोग होते हैं ना जो मंदिर बस चल रहा है और मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन मंदिर का बहुत बड़ा एक, जैसे स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज में, करेक्ट, हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरह मंदिर का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा समाज में, जहाँ पे व्यक्ति संस्कार, संस्कृति, भगवान से संबंध, भगवान की सेवा कैसे करनी है वो समझता है, सीखता है। अगर वो नहीं करेगा, देखिए मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवदिड़म। अगर हम कृष्णा की सेवा में नहीं लगाएंगे मन को, हरि नाम में नहीं लगाएंगे, मन किधर लगेगा? हम सबका अनुभव है, वैसे आप लोग सब साधु ऋषि हैं तो हो सकता है कुछ पैसा ना हो, लेकिन वरना हम सबका अनुभव है कि मन क्या है, बहुत चंचल है, इधर हटा नहीं कि आप देखिएगा अलग अलग ऐसे संसार घूमना चालू कर देगा ये मन,
मन के रथ बैठ के लंदन, अमेरिका, आईपीएल, न्यूज़, हाँ, शेयर मार्केट, ये वो बहुत जगह घूम फिर के आएगा, बहुत मन चंचल है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रोसेस जय श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताय भगवान की, शिला प्रभुपाद की, चंचल मन है। तो ये मन को इसलिए हम देखिए राधा माधव के चरणों में लगाना है। जगन्नाथ ने सुंदर श्रृंगार है आज का श्री गौर निताय के चरणों में। तो ये प्रभुपाद जी मंदिर का उद्देश्य यहाँ बता रहे हैं कि मंदिर का उद्देश्य क्या है। तो हर दिन ठाकुर जी का, भगवान श्री माधव का, राधा माधव का दर्शन करना, प्रसाद प्राप्त करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, समझ रहे हैं, और आके कुछ ना कुछ सेवा करना। और बहुत कोई बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सब में से कोई ना कोई बहुत कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। अब आप सोचिए कि आप में क्या गुण है और अपने गुणों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन? नहीं। तो आज बहुत शुभ दिन है, आषाढ़ एकादशी, आज देवशयन एकादशी है। आज के दिन वारी, जो वारकरी लोग हैं, 250 किलोमीटर चल के देहू और आलिंदी से कहाँ पहुँचेंगे? पंढरपुर पहुँचेंगे, भगवान का दर्शन, विट्ठल जी का, रघुमाई का दर्शन। आज पूरा लाखों लोगों का समूह, दुनिया का सबसे बड़ा पदयात्रा है ये, ऐसा इतने लाखों में लोग चल के भजन कीर्तन करते हुए पंढरपुर पहुँचेंगे। और कई जगह चतुर्मास से आज से चालू हो जाता है, हमारे इसमें पूर्णिमा से होता है, लेकिन कई संस्था जगहों में वो एकादशी टू एकादशी फॉलो करते हैं, तो चतुर्मासे का भी, इसलिए शयन एकादशी, भगवान शयन में जा रहे हैं, तो ये चतुर्मास का भी प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शुभ दिन है आज। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, श्रवण करें, जप करें, नाम जप करें, कीर्तन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। वाहेगुरु प्रेमानंद।